अहं करोति इति अहंकारम, यानी मैं कर रहा हूँ यही अहंकार है। नमस्कार, उदयन डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। अहंकार मनुष्य का सबसे बलवान शत्रु है। ममता इसकी जननी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इसके 6 छोटे छोटे भाई हैं। यह एक के पीछे एक व्यूह बनाकर खड़े होते हैं। सबसे पहले काम, फिर क्रोध, उसके बाद लोभ, तब आता है मोह, इसके पीछे मद, फिर मत्सर, और सबसे अंत में खड़ा होता है विकराल अहंकार। ये सभी भाई उत्तरोत्तर 100 गुना बली होते हैं, यानी काम से 100 गुना बलवान क्रोध है, क्रोध से 100 गुना बलवान लोभ, उससे 100 गुना शक्तिशाली मोह, और फिर मद, फिर मत्सर, और आखिर में सर्व शक्तिशाली अहंकार। लेकिन आश्चर्य की बात है कि बल में ये जितना बढ़ते जाते हैं, आकार में सूक्ष्म होते जाते हैं। यानी काम सबसे बड़ा दिखाई देता है, लेकिन उससे 100 गुना शक्तिशाली क्रोध काम से 100 गुना सूक्ष्म यानी छोटा होगा। सबसे आखिर में बैठा अहंकार सबसे सूक्ष्म रूप में धारण किया होता है, लेकिन इन सभी में सबसे शक्तिमान वही है जो दिखाई ही नहीं देता। इसीलिए सामान्य तौर पर तपश्चर्या करने वाले लोग यही आकार मात खा जाते हैं। आध्यात्म के अभ्यासी लगातार कोशिश करने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर पर तो साध लेते हैं, लेकिन अहंकार पर नहीं कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी पहचान ही नहीं हो पाती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जैसे 6 दिखाई देने वाले और दूसरों पर असर डालने वाले विकारों को साध लेने का नशा कब अहंकार का स्वरूप धारण कर लेता है यह पता ही नहीं चलता। इसी अहंकार के कारण नारद जैसे परम भक्त ने अपने आराध्य श्री हरि को ही पत्नी से बिछड़ने का श्राप दे दिया और रामायण की रचना हो गई। रावण अपने अहंकार की वजह से नष्ट हुआ और महाभारत की तो आधारशिला ही धृतराष्ट्र की हीन भावना और दुर्योधन के अहंकार पर टिकी हुई है। विद्वान जनों का कहना है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार जैसे सभी शक्तियाँ अपस्मार है, यानी इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है, इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है, इनके साथ जीने की आदत डालनी होती है, इन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देने का अभ्यास किया जाता है। अपस्मारों की तुलना शिव के चरणों के नीचे दबे छटपटाते राक्षस से की गई है, जिसका दमन किया जा चुका है, लेकिन वो मृत नहीं है, क्योंकि एक हो हम बहुत श्याम का उपकरण है। अपस्मारों को भी शिव ने ही उत्पन्न किया है, जो सृष्टि के विस्तार का कारण बनता है। लेकिन जब ये अपनी सीमाएं लांघने लगता है तो शिव उसे अपने चरणों के नीचे दबा लेते हैं, यानी नियंत्रित कर लेते हैं। उनका यही संदेश बाकी सबके लिए भी है, यानी काम का दमन करने के बजाय सामान्य वैवाहिक जीवन अपनाएं, क्रोध के नियंत्रण के लिए प्राणायाम करें, लोभ के शमन के लिए ज़्यादा संग्रह ना करने की प्रवृत्ति यानी अपरिग्रह अपनाएं, मोह से मुक्ति के लिए वसुदेव कुटुंबकम का भाव अपनाएं, मद को साधने के लिए भक्ति का आश्रय लें, मत्सर से मुक्ति भी वसुदेव कुटुंबकम के भाव से ही मिल सकती है, और अहंकार से मुक्ति के लिए योग और समाधि की शरण लें।
जीवन के रहते इन अपस्मारों से छुटकारा संभव नहीं है, लेकिन इन्हें स्वयं पर हावी ना होने देना सबसे बड़ी सफलता है। यानी सभी पानी के तरह हर तरफ बिखरे विकारों के बीच रहते हुए कमल के पत्ते की ओस से बिना गीला हुए रहने की कला, या यही जीवन है, यही तपस्या है। और ये तपस्या संसार से भागकर नहीं बल्कि संसार में रहकर करना सबसे कठिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।